ăn thế. Hey guys, welcome back to the Tushar vlog. Guys, finally हम लोग पहुँच चुके हैं हरिहर फोर्ट. Guys, ये देखिए मेरे पीछे आपको हरिहर फोर्ट दिख रहा होगा. Finally आज मेरा ड्रीम खत्म होने वाला है, क्योंकि मैं पिछले एक डेढ़ साल से ट्राई कर रहा था कि मुझे हरिहर फोर्ट जाना है. कब से बस मैं ये वीडियो में ही देख रहा था. राज जस्ट सी गाइज, ये देखो बस मैं अभी थोड़ी देर में ऊपर पहुँच जाऊँगा व्लॉग में. तो गाइज जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत ही धूप है. आई थिंक 46 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे. और हमने एक बार थोड़ा ब्रेक ले लिया है 5 मिनट का, और जैसे कि डिहाइड्रेशन वगैरह ना हो इसलिए हमने ग्लूकोन डी वगैरह भी कैरी किया है साथ में. तो अगर आप आ रहे हो तो मेक श्योर आप कैरी करो. सो गाइस देख सकते हो हम कितना ऊपर आ चुके हैं, क्योंकि हमने जो गाड़ी पार्क की है वो यहाँ है पेड़ के नीचे. और आप देख सकते हो कि हम कितना ऊपर आ चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी काफ़ी ऊपर जाना है. ये लोग नीचे वापस से थक गए हैं, और आगे वाले दो बंदे फुल एनर्जी में हैं, तो मैं भी उठाऊँगा. एनर्जी मेरे में फुल ही है अभी. सो गाइस यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया सीन हो चुका है हमारे साथ. हम लोग ने रिकॉर्डिंग ऑन किए बिना ही सब ऊपर आ गए हैं दोनों. दिव्यस का भी यही सीन हुआ है, तो वो भी ऐसे मुरझा के खड़ा है. देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लिप हमारी रह गई है. सी दिस गाइस, कितना अमेजिंग सीन है. और यहाँ पे एकदम बढ़िया वाली ठंड चल रही है, मस्त. इतने ऊपर है फिर भी कुछ ऐसा है नहीं, मस्त ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है यहाँ पे. सी देख सकते हैं आप, हमारी स्क्वाड वहाँ पे नीचे रुकी हुई है क्योंकि वो सब थक गए हैं. और हम दोनों व्लॉगिंग करने के लिए आगे जा रहे हैं, क्योंकि हमें अभी बहुत एनर्जी बाकी है. और होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि हमने इसका इंतज़ार बेसब्री से किया था. गाइस चलिए अभी तो बहुत चलना है आगे. सो गाइस देख सकते हो काफ़ी ऊपर आ चुके हैं. मेरे पीछे जो दिख रहा है हम लोग काफ़ी ऊपर आ चुके हैं. बस अब थोड़ी ही देर है, अभी चढ़ जाएंगे हम लोग. और ये पीछे का सीन देख लो आप, ये जो वहाँ दिव्यश जा रहा है आप देख सकते हो, ये रास्ते से हमें जाना है ऊपर, और वहाँ तक जाना है लास्ट में. सो फाइनली गाइस थोड़ा सा धूप से छुटकारा मिला है. यहाँ पे थोड़ी सी छांव है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पेड़ है यहाँ पे, तो थोड़ा सा हमें छुटकारा मिल गया है. तो बस यहाँ से अब थोड़ा आराम आराम से बस चलते रहेंगे अब हम. और देखिए सब वापस रुक भी गए हैं यहाँ पे, दिखाता हूँ मैं. वापस मेरी स्क्वाड यहाँ पे रुक चुकी है. सो गाइस अभी हम रुके हैं नींबू पानी पीने के लिए. यहाँ पे मिलता है नींबू पानी 15 रुपए का ग्लास एक, दिखाता हूँ मैं आपको. सो गाइस देख सकते हो यहाँ पे नींबू पानी हमारा रेडी हो चुका है. बहुत ही सही बना है. और ये जो आपको गांव दिख रहा है ये है हर्षेवाड़ी, और पीछे भी एक गांव है. आप हर्षेवाड़ी से भी आ सकते हो हरिहर फोर्ट. और एक गांव ये भाई ने यहाँ पे दिखाया है. एक दूसरा रास्ता यहाँ से है, ये है नीचे निरगुड़पाड़ा, और यहाँ से शायद थोड़ा दूर पड़ेगा अगर आप आ रहे हो तो. आपको आना है तो आप हर्षेवाड़ी से ही आना. और यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है. आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, पास में ही है.
एकदम से ढलान आ चुकी है यहाँ पे, देख सकते हो आप। यहाँ पे एकदम से ऊपर चढ़ना है हमें, ये देख सकते हो ऊपर पूरा। तो बस थोड़ा मैं सावधानी से चल रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा डेंजरस लग रहा है मुझे, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है ये। आप भी आ रहे हो तो स्पोर्ट शूज़ वगैरह सब ट्रैक किया, कुछ हाफ पैंट वगैरह पहनना आप, क्योंकि यहाँ पे पैंट वगैरह में आप नहीं चढ़ सकते। बाकी सारे लोग काफ़ी थक चुके हैं, हम लोग ब्लॉक की वजह से फुल एनर्जी में है दोनों बंदे, मैं और दिव्येश, वो भी यहीं पे खड़ा है। अरे भाई गिरा, बस यहाँ से ट्राई करते हैं थोड़ा। ये देखो दिव्येश पीछे जो सूट ले रहा है। सो गाइस फाइनली ये हमने हिट कर लिया है यहाँ पे, देख सकते हो अब ज़्यादा दूर नहीं है, बस कुछ ही टाइम में पहुँच जाएंगे। और क्या नज़ारा है यहाँ पे गाइस, खुशी देख सकते हो आप मेरे चेहरे पे, क्योंकि बहुत टाइम से मेरे को आने का मन था यहाँ पे, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था। सो गाइस फाइनली अब वो टाइम आ चुका है जब हम फाइनल पैच पे चढ़ने वाले। आप देख सकते हो मेरे पीछे और मेरे को डर बहुत लग रहा है, तो मैं कम से कम यहाँ 15-20 मिनट तक यहाँ पे नीचे बैठा हूँ, सब लोग ऊपर चले गए हैं, सिर्फ मैं और दिव्येश यहाँ पे रुके हुए हैं। तो अभी हम फाइनली अभी हम जाने वाले हैं ऊपर, तो बस देखिए गाइस, डर इतना मुझे लग रहा है कि मैं बता नहीं सकता, लेकिन मुझे बस जाना है ऊपर, बस मैं धीरे धीरे जाऊंगा, बस करके देखूंगा। गाइस अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हैं तो और कुछ नहीं, बस इसके लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना, बहुत मेहनत लगी। और ये जो डर लग रहा है मुझे, इसका मैं क्या बताऊं आपको, मैं बता नहीं सकता कि यहाँ पे ये कितना हाइट है और कितना वर्टिकल है यहाँ पे। सो गाइस फिर से थोड़ा रुक के वापस से एक बार स्टार्ट कर दिया है मैंने। आराम से जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बस भाई आराम से ही जा रहा हूँ मैं, कोई नहीं होगा होगा, करेंगे भाई करेंगे। बस गाइस मुझे नीचे नहीं देखना है अपने लिए, ऊपर जाके देखूंगा मैं आराम से सब। रील्स वगैरह में देखा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सही है, बहुत मस्त है, लेकिन वो है भी, ये बहुत ही मस्त है यहाँ पे, आप तो बहुत ही मजा आएगा, मतलब क्या सीन है यहाँ पे। लेकिन गाइस जो डर लगता है उसका कोई मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि कितना डर लग रहा है यहाँ पे, लेकिन बस कर रहे हैं। और एक हाथ से चढ़ रहा हूँ मैं, हम दोनों चढ़ रहे हैं एक हाथ से, मैं और दिव्येश दोनों, वो भी सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये जगह क्या है। लाइस प्लीज़ बने रहिए व्लॉग में। सो गाइस फाइनली मैंने आधे से ऊपर क्रॉस कर लिया है, ये जो पूरा वर्टिकल एंगल था मैंने क्रॉस कर लिया है अभी की। Thank you.
तो गाइस ये आपने काफी सारी रील्स में देखा होगा ये सीन। देखिए गाइस ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है यहाँ पे और मैं यहाँ से आपको पीछे का नजारा दिखता हूँ गाइस। देखिए बस सब लोग ये है सीन, बहुत ही ऊपर आ चुके हैं हम और ये पीछे का सीन और यहाँ से अभी आगे जाना है बहुत। सो गाइस अभी मैं बैठा हूँ थोड़ी देर के लिए और मेरे साथ एक बहुत ही गलत सीन हो गया है गाइस। मैं अभी वो जो वर्टिकल सीढ़ियाँ है उस पर मैं चढ़ रहा था और वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा बहुत ज़्यादा था, मतलब अराउंड 48 डिग्री सेल्सियस, तो मेरा कुछ सूट ही नहीं हो पाया। मैं बहुत ही कोशिश किया लेकिन फ़ोन का कैमरा ऑटोमेटिकली बंद हो जाता हुआ उसके लिए। लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ी छाँव है तो बस बैठा हूँ, ठंडी हवाएं चल रही है और यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल है। आज धूप बहुत ही ज़्यादा है, मतलब उसका कोई हिसाब भी नहीं उतनी ज़्यादा है। तो बस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको दिखाऊँ, इसीलिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर कर देना। ओके मिलते हैं आगे। तो गाइस ऊपर चढ़ने की खुशी तो आप देख ही सकते हो, ये थोड़ा बहुत रिस्की है, थोड़ा बहुत नहीं पूरा का पूरा ही रिस्की है। मेरी टीम आगे चली गई है, मैं रह गया हूँ अभी पीछे। तो बस ये पहले जैसा ही है, सेम टू सेम देख सकते हो आप ये। और एक चीज़ कि अगर आपको डर लगता है ऊंचाई से या फिर आप में स्टेमिना कम है तो इधर मत ही आना। ओके देन आगे चलते हैं। सो गाइस अभी अभी जो मैं चढ़ के आया हूँ वो सीन आप देखिए, मैं फ़ोन पूरा रोटेट कर रहा हूँ, ये एंगल कितना है देखिए गाइस, यहाँ से सीन कितना दिख रहा है मस्त। चलते हैं अब आगे। सो गाइस यहाँ पे है एक गुफा, उसके अंदर से जाना है। जस्ट दिखा देता हूँ मैं आपको, ये है यहाँ पे एकदम मस्त ठंडी ठंडी हवा आ रही है, ऐसा थोड़ा ठंडक सा लग रहा है और थोड़ा डर भी कम लग रहा है क्योंकि यहाँ से आसपास कुछ दिख नहीं रहा है तो थोड़ा डर कम लग रहा है। ये देखिए पीछे ऊपर धूप दिख रही है, तो ऊपर फिर से मेरा फ़ोन वापस बंद हो जाएगा गाइस, लेकिन कोशिश करूँगा मैं कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आपको दिखाऊँगा जो भी है वो। बस फाइनली गाइस पहुँच ही गए हम लोग। सो गाइस अभी थोड़ा ही बाकी है शायद, ये देखिए फ्लैग आ गया सी। तो फाइनली बिल्कुल भी स्किप मत करना वीडियो को, अभी आपने को देखने को मिलेगा उस सीन जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की है गाइस। आप मेरे चेहरे पर जो खुशी देख रहे हो, बस पहुंच गए, यस यस बस पहुंच गए। तो गाइस इसी के लिए हम लोग इतनी मेहनत करके ऊपर आए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। पानी ख़त्म हो गया है तो मेरा गला भी सूख गया है तो बोल भी नहीं पा रहा। तो चलिए गाइस मैं आपको पीछे का सीन दिखाता हूँ कि जो क्या दिख रहा है। चलिए लग रहा है गाइस, आप देखो एक बार यहाँ पे मस्त ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है,
तो आपको मेरी सांसें सुनाई दे रही होगी कि मैं इतना सारा ऊपर आके भी थका नहीं हूँ, मैं मेरी टीम के पीछे दौड़ के आया हूँ और वो फिर भी बहुत ही फास्ट जा रहे हैं आगे, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 3 बजे और हमने स्टार्टिंग किया था आई थिंक 12 बजे, तो 3 घंटे लगे हमें ऊपर आने में। ये सीन देखिए गाइस, गाइज यहाँ पे कुछ मेरे को पानी जैसा दिखा है, दिखाता हूँ मैं आपको कितने ऊपर ये कुंड बने हुए हैं पानी के लिए, जस्ट मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ये देखिए गाइज 2 बने हैं शायद यहाँ पे, दोनों दिखाते हैं, या दोनों में पानी है गाइज यहाँ पे। पता नहीं ये कितना गहरा होगा, तो इसमें छलांग लगाने की कोशिश तो मैं नहीं करने वाला अभी। ये 3-3 है, बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले 1 दिखा, फिर 2 दिखे, फिर 3। पता नहीं मेरे दोस्त लोग कहाँ तक चले गए हैं। यहाँ पे टॉप पे शॉप वगैरह भी है, तो आप नाश्ता वास्ता कुछ कर सकते हो। ओह गाइस, एक चीज़ मिल गई है जिसकी मुझे बेसब्री से तलाश थी, दिखा देता हूँ मैं आपको। जस्ट देखो गाइस, यहाँ पे मिल गया है पानी। सब लोग फ्रेश हो रहे हैं तो मैं भी अभी फ्रेश होऊंगा, क्योंकि मैं भी बहुत ही थोड़ा बहुत तो थक ही गया हूँ, ज़्यादा नहीं, पर बस अभी थोड़ी देर में फिर से रिटर्न का शूट करेंगे। मिलते हैं, चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर। सो गाइस फाइनली हम फ्रेश हो चुके हैं और यहाँ पे वो शॉप थी जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, उसमें हमने थोड़ा नाश्ता वगैरह कर लिया, पानी वानी पी लिया आराम से, और अभी टाइम हो चुका है 3:30, तो हम लोग अभी नीचे उतरने का स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि 6 बजे के बाद हम यहाँ पे नहीं रुक सकते, तो 6 बजे से पहले हमें यहाँ से नीचे चले जाना है और यहाँ से गाड़ी तक भी जाना है, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम जा रहे हैं अभी नीचे। बस अभी जा रहे हैं नीचे और ये गुफा जो पहले भी दिखाई थी मैंने, बस यहाँ से बस अभी जा रहे हैं धीरे धीरे नीचे। ऐसे ऐसे यहाँ पे वीडियो बनाने की मांग हो रही है, ऊपर देखियो। और गाइस एक दूसरा सीन हो गया है मेरे साथ कि मेरा जूता थोड़ा सा टूट गया है, थोड़ी सी जो उसकी क्या बोलते हैं उसको सॉल बोलते हैं, वो थोड़ी सी निकल गई है, लेना पड़ेगा अब नया। चिल्ला रहे हैं सब, खुशी देख रहे हो सबकी। जितने भी लोग देख रहे हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बस ऐसे ही देखते मत रहना और शेयर भी करना सबको। यहाँ से आ रहे अभी हम लोग नीचे, कंट्रोल। यहाँ से देखो एक बार, मेरी फीलिंग उमड़ उमड़ के बाहर आ रही है, क्योंकि जस्ट आप ये चेक करो, ये देखो पूरा फोन मैंने ऐसे पकड़ा है, देख लो एक बार कैसे उतरना है यहाँ पे, मैं भी यहीं से उतरने वाला हूँ अभी। यस सो गाइस, अभी मैं ये देख सकते हो आप, यहाँ से आया हूँ नीचे, तो डर का माहौल कुछ ज़्यादा ही था, तो कोई कुछ बोल भी नहीं रहा था और मैंने भी व्लॉग थोड़ी देर के लिए एंड कर दिया था, क्योंकि एक हाथ से मैं उतर नहीं सकता था, एकदम वर्टिकल था। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, जस्ट देखो आप, ये देख लो आप एक बार, मैं मेरा फ़ोन पूरा घुमा रहा हूँ, ये एकदम वर्टिकल है, देख सकते हो, और अब आगे का थोड़ा सा नॉर्मल है, तो भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। तो जैसे कि देखा आपने कि ये कितना रिस्की है, डरने वाले लोग मत आना यहाँ पे, पहले बता दे रहा हूँ। मेरे को तो यहाँ पे आने का बहुत मतलब मेरा ड्रीम था, बहुत सारे प्लान बने, बहुत सारे कैंसिल हुए, और अब ये जाके फाइनली प्लान मेरा मतलब सक्सेस हुआ है, जिसकी खुशी आपको कब से मेरे चेहरे पे दिख रही होगी।
मेरे दोस्त लोग वेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं जल्दी जल्दी आ जाओ। तो बस अब जल्दी जल्दी से निकलता हूँ यहाँ से। ये देखिए यहाँ से मैं आया अभी, और ये नीचे पूरी खाई जैसा, ये नीचे का पहला स्टेशन, दूसरा स्टेशन, उसके बाद यहाँ से होते हुए हमें जाना है जो वो गांव जैसा दिख रहा है वहाँ तक जाना है हमें। ओके, सो ये गेट है जहाँ से वो डरावना सीन स्टार्ट होता है। यहाँ पे सब पानी वानी, एनर्जी ड्रिंक लाओ भाई जरा, मुझे भी दो। सो अभी फाइनल आ चुका है हमारा फाइनल पैच, यहाँ से हमें नीचे उतरना है, बस यही डरावना है। ये कौन लेके और ये प्रदीप जा रहा है यहाँ से। प्रदीप भाई आराम से। सो अब ये गेट से नीचे पूरा वर्टिकल है, तो बस यहाँ से नीचे उतरना है मुझे। आप देख सकते हो पीछे जो मैंने अभी आपको दिखाया था वीडियो में, बस के चलते हैं नीचे, बस धीरे धीरे जा रहे हैं। हे भगवान बचा लेना। रुकेगा नहीं। एक बार दिखा देता हूँ पीछे का, ये देखिए नीचे कैसा दिख रहा है। डर लग रहा है यार, अभी बहुत डर लग रहा है मुझे। दिखाता हूँ मैं आपको पीछे का कैमरा करके। तो गाइस ये सीन है जिसकी वजह से मैं डर रहा था। ये मेरा फ़ोन सीधा है जैसे मैं नॉर्मली वीडियो शूट करता हूँ, ये फ़ोन को मैं ऐसे टेढ़ा कर रहा हूँ पूरा का पूरा, जिसमें ये देखो कि कितना वर्टिकल है, और ये देखो ऊपर पूरा फ़ोन ऐसा ऊपर करना पड़ रहा है। धूप भी थोड़ी ज़्यादा है तो फ़ोन बंद ना हो जाए तो सही है। ओके चलिए। सो गाइस फाइनली इतना डर मेरे को ज़िंदगी में कभी नहीं लगा गाइस। जो सीन है पीछे देखो एक बार, मैं यहाँ से उतरा हूँ अभी, और अभी मेरे को बहुत जाना बाकी है, और बाकी सब चले गए तो बस चलता हूँ अभी नीचे। ओके नीचे तो ज़्यादा ही उछल रहे थे, बहुत उछल रहे थे नीचे, ये वो ये तो तुषार वहाँ है जी, मैं शक्ल पे दिख रहा है उसकी शक्ल, आप जब आएगा नीचे तब देख लियो। हंस रहे पर वो हंसने के चेहरे पे उसके पीछे, जस्ट आप चेक करें, जूम करके मैं दिखा रहा हूँ। उतर कैसे रहा है भाई। सो गाइस फाइनली मैं नीचे पहुंच चुका हूँ, और ऐसे जो भी आपने देखा है सच में मुझे बहुत ही डर लग रहा था। ये ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, क्योंकि आगे हमें बहुत काम है और बहुत दूर तक अभी मुझे जाना भी है। तो गाइस यहाँ तक आपने ब्लॉग देख लिया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ओके थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।